हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ये वाला फ्लावर बनाएंगे। बहुत प्यारा डिज़ाइन है, ये बेडशीट पर बना हुआ है। तो ये हाफ ही आपको दिखा रही हूँ मैं। इसे बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए तीन कलर चाहिए, वाइट, ऑरेंज एंड डार्क ग्रीन। ये डार्क ग्रीन है, ग्रीन के बहुत सारे शेड आते हैं बट ये डार्क ग्रीन है। इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो देख लें। डार्क ऑरेंज है, तो सबसे पहले हम अपना वाइट कलर करेंगे, उसके बाद हम ऑरेंज बॉटम में करेंगे और बॉटम में कर ऊपर की तरफ शेड देंगे। इसी तरह से हम पूरे फ्लावर में शेड देंगे और फिर ऊपर से डार्क ग्रीन करेंगे। बट आउटलाइन हमें डार्क ग्रीन की ही करनी है, ये ध्यान रहे। अब चाहे तो डार्क ग्रीन पहले कर ले, ऑरेंज बाद में करें, बट करना इसी तरह से है। आप ये चाहें तो इन दोनों कॉम्बिनेशन की जगह कोई और सा कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने यही वाला फ्लावर बनाया है बट वो दूसरे कलर से है, आप वो भी देख सकते हैं। उन दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और ये भी। इसी तरह से हम पूरा फ्लावर बनाएंगे। मुझे बहुत सारे कमेंट मिले थे, मुझे मेल मिले कि अपनी ऑडियो अपनी आवाज़ ही डालें आप ताकि अच्छे समझ आता है। तो इसलिए मैं मोस्टली मेरी वीडियो में मेरी ही आवाज़ है ताकि आप लोगों को अच्छे समझ आ जाए, इसीलिए सारे कलर्स के नाम बताती हूँ। तो आई होप अब आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट करें या मुझे मेल कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये फ्लावर पूरा कंप्लीट इसी तरह से किया है। इसे कंप्लीट करने के बाद मैंने कॉफ़ी कलर से बॉटम से शेड दूंगी। और आप चाहें तो ये मैं सेकंड या थर्ड नंबर का फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, दोनों सेकंड और थर्ड दोनों ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आपको दूसरे टाइप के ब्रश भी यूज़ कर सकती हैं। ये मैंने कॉफ़ी कलर से किया है। ये कॉफ़ी कलर से लाइंस की हैं, शेड्स की। या आप चाहें तो ज़ीरो नंबर का जो ब्रश आता है आप उससे कर सकती हैं, उससे भी बहुत अच्छा होता है, इससे भी। और फिर उसके बाद आउटलाइन में डार्क ग्रीन और ऑरेंज से हम डॉट डॉट कर देंगे। इस तरह से फ्लावर पूरा रेडी है। अब इसके बाद हम दूसरा फ्लावर बनाएंगे, तो सिंपल सा दो कलर से बनेगा, वाइट और ब्लू। वाइट कलर करने के बाद हम आउटलाइन कर्व करते हुए करेंगे और इसे बहुत अच्छे से फिर हल्का सा वाइट शेड देंगे ताकि बहुत लाइट हो जाए। और फिर डार्क आउटलाइन करेंगे और उसकी शेड नीचे तरफ। इसी तरह से पूरा फ्लावर बनाएंगे। इसमें यही बहुत अच्छा लगता है बनने के बाद, क्योंकि इसकी लाइंस की जो कर्व होती हैं ये बहुत अच्छी लगती हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत सिंपल सा है ये। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।